बताएं और छात्र इतनी बड़ी संख्या में देश की राजधानी दिल्ली में क्यों इकट्ठे हैं, आप मुखर्जी नगर में क्यों इकट्ठे हैं, आप लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं और जंतर मंतर पे भी आज आपका प्रदर्शन था, आखिर क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है जो आज युवा और छात्र आज सड़कों पर बैठा हुआ है, क्या दिक्कतें बताएं? मेरा नाम सोहन है, मैं हरियाणा से आता हूँ, मैं यूपीएससी का छात्र था, 2020 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि हम लोग मुखर्जी नगर में क्यों बैठे हैं, हम लोगों की ये जो जर्नी है, ये जो संघर्ष है, ये स्टार्ट हुआ था 2020 सितंबर 30 से। 30 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में हमें एक आश्वासन दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कि सभी छात्रों को यूपीएससी के एक कंपनसेटरी अटेम्प्ट दिया जाएगा, जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट है, मगर उन लोगों ने इस बात को दरकिनार कर दिया। लगातार 4 महीने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस चला और लास्ट में रचना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर उन्होंने फाइनली इसे खारिज कर दिया, ये कहकर कि ये पॉलिसी मैटर है और कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती है, एग्जीक्यूटिव ही इसमें फाइनल डिसीजन लेगा। हम लोग जनप्रतिनिधि के पास गए, मोर देन 200 जनप्रतिनिधि से हम मिल चुके हैं, माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम नहीं मिल पाए हैं। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जनहित में, सभी स्टूडेंट्स के हित में, जब स्टूडेंट्स रोड पर है, ये कोई पहली प्रोटेस्ट नहीं हो रही, आर्मी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, बैंकिंग के हैं, यूपीएससी के हैं, एसएससी के हैं, सभी छात्र यहाँ पर एकजुट हो गए हैं आज सिर्फ एक डिमांड को लेकर के कि जब तक 2 कंपनसेटरी अटेम्प्ट या 2 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन इन स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा, ये यहाँ से हटने वाले नहीं है। आज ये मुखर्जी नगर में करीब दूसरा महीना स्टार्ट हो गया है, लगातार 24/7 हम यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर भी थे, यहाँ पर बहुत सारे मेरे साथी जो झारखंड से आए हुए थे, बिहार से आए हुए थे, आज भी ये जो आर्मी के छात्र हैं, ये 20 वर्ष की आयु में 300 किलोमीटर चल करके आ रहे हैं, दौड़ करके, किस चीज के लिए, इस देश के लिए, इस देश के अमन चैन में ये अपना योगदान देना चाहते हैं और सरकार इनके बीच में आड़े आ रही है। अगर ये एज बार्ड हो गए हैं आज तो इनका इसमें क्या कसूर है? कोविड-19 की वजह से 2020 और 2021 में ना कोई भर्तियां निकली और इन स्टूडेंट्स ने जो तैयारी कर रखी थी, अपना 100% इसमें दे रखा था, वो आज इनके हाथ से निकल गया है। जिस सुनहरे लक्ष्य की इन्होंने कभी कामना की थी, जो इनके माँ बाप ने एक भविष्य सोचा था इनके लिए, वो आज इनके हाथ से निकल चुका है। इसीलिए ये स्टूडेंट 300-300 किलोमीटर दौड़ लगा करके यहाँ पर आ रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ के हालात कैसी हैं। यहाँ पर मच्छर भी काटेंगे, यहाँ पर नहाने की सुविधा नहीं है, पीने की सुविधा नहीं है, तमाम एक दिन का खाना खा करके ये छात्र मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अगर आज आपने इन बच्चों का संकट अगर आपको नजर नहीं आ रहा है, अगर आज इनके सुनहरे भविष्य को आप नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर कभी बात मत कीजिएगा कि सबका साथ और सबका विकास, ऐसे देश के अंदर कभी विकास नहीं हो सकता। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप सभी समुदायों का साथ लेकर के चलने की बात करते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स रोड पर आ गया है, ये मुखर्जी नगर के हालात देखिए आप, अगर आप यहाँ पर सो जाएंगे तो आपको खुद नजर आ जाएगा कि ऐसे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर इतनी दिक्कतों को फेस कर रहे हैं, उनका क्या भविष्य होगा। एक सबसे बड़ी वजह और कारण जो कि यूपीएससी के एस्पिरेंट और तमाम जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसके जो एस्पिरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो सब यहाँ पर इकट्ठे हैं, एक सबसे बड़ा कारण क्या है? ये कारण सिर्फ ये है कि ये सभी यूथ हैं और यूथ यूथ की आवाज पहचान सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। मैंने अभी कहा कि जनप्रतिनिधि के पास गए, जो सत्ता में है उन्होंने हमारी नहीं सुनी, अपोजिशन में है वो भी दरकिनार कर देते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट्स के दर्द को समझ सकता है और भली भांति समझ सकता है, इसीलिए हमने चुनाव किया है कि हम मुखर्जी नगर में बैठेंगे, क्योंकि ये पूरे दिल्ली का हब है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और इन स्टूडेंट्स को हम सिर्फ अपने दर्द को समझाना चाहते हैं कि जब तक आप लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे, हमारे हक, हमारा जो हक है, हमारा छीना जा रहा है, वो हक हमारा नहीं मिलेगा। आज भी आपने देखा कि वहां पर जंतर मंतर पर हजारों की भीड़ में स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए थे, सभी स्टूडेंट्स थे सिर्फ एक आवाज को लेकर के कि अगर स्टूडेंट्स का हक छीना गया तो स्टूडेंट सहन नहीं करेगा। जब इस देश में आप सभी के साथ न्याय कर सकते, किसानों को भी आपने लास्ट में जाकर के मान लिया, किसानों की जो डिमांड थी उसको आपने पूरा किया, तो सभी स्टूडेंट्स की डिमांड को भी पूरा कीजिए। स्टूडेंट्स भी इक्वली फेस किया इन्होंने, कोविड-19 एक महामारी के रूप में था,
ये किसी को देख नहीं रहा था कि ये मंत्री है या संतरी है या नौकर है या स्टूडेंट है, कुछ भी है, किसान है, सभी लोग जितने भी गरीब लोग हैं वो इससे ज्यादा हताहत हुए हैं। अमीर लोगों को तो फिर भी कहीं ना कहीं जाकर के कोई आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर तक नहीं मिल रहे थे गरीब आदमी को, तो और अमीर आदमी जितना भी है मंत्री लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने एक भी मतलब ऐसा नहीं सुना कि किसी बड़े जनप्रतिनिधि को कोविड हुआ और हुआ कोविड तो वो तुरंत ठीक हो गया, मगर यहाँ पर लाशें बिछ गई। आपने देखा होगा 10-10 लाशों को इकट्ठा जलाया जा रहा था, वो चाहे यूपी की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो कहीं भी हो। तो तमाम ऐसे दृश्य को इन्होंने देखा है, ऐसे दृश्य को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए थे। और ऐसे में कैसे ये लोग अपनी तैयारी कर सकते थे, और इनका तो इनके भर्तियां ही नहीं निकली तो तैयारी क्या करेंगे। कोई भी पार्लियामेंट से देश का जो संसद है पार्लियामेंट से कोई भी एमपी आपसे मिलने के लिए आया है, आपके मुद्दे पे आपके इश्यूज को सुनने के लिए समझने के लिए कोई आपसे मिलने के लिए आया? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं खुद हंगर स्ट्राइक पर था 5 दिन के लिए, और 5वें दिन श्री अधीर रंजन सिंह चौधरी जी जो अपोजिशन के लीडर हैं वो जंतर मंतर पर आए थे भूख हड़ताल को तोड़वाने के लिए, मगर जब हम वापस उनके घर पर गए इन्हीं डिमांड के साथ, वहां पर तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके जो भी डिमांड है आपका उनको हम उठाने की बात करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, मगर जब हम उनके घर पर गए तो हमारे साथ सही से व्यवहार ही नहीं हुआ, वो हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहा। तो ऐसे ये मतलब जो कहते कुछ है और करते कुछ है, ये हमारे जनप्रतिनिधि का हाल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे, नाम लेते हुए आप बताएं? मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक सॉफ्ट अपील करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से कि वो इस देश के सर्वोपरि नेता हैं, उनको ये समझना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट्स के कष्ट को दुख को नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? आप चुटकी में इसका निदान कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये कोई फंड एक्सपेंडिचर नहीं मांग रहे हम कि इसमें आपको लाखों का बजट चाहिए। सिर्फ आपको एक बार कहना कि बच्चों ने परीक्षाएं दे नहीं पाए या फिर किसी कारण से जो भी इनके 2 साल खराब हुए हैं तो इनको 2 साल एक्स्ट्रा दे दो। जब 21 साल का आदमी आर्मी के अंदर जा सकता है तो 23 साल में क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या 23 साल में वो बूढ़ा हो जाएगा? सीधा ही जा सकता है वो। यूपीएससी का कैंडिडेट अगर 32 वर्ष में अगर अपना इम्तिहान दे सकता है तो वो 34 में भी दे सकता है। सिर्फ यही डिमांड है कि सभी छात्रों को इक्वली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, जब स्टेट गवर्नमेंट उसमें दे रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकती है? सभी छात्रों को सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं सभी को 2 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए, ये उनका हक है। अगर नहीं दिया जाएगा तो इसी तरीके से हम यहाँ पर बैठे रहेंगे 24/7। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आज ये युवा भले ही आपको कमजोर नजर आ रहा है मगर आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। जिस तरीके से आपने देखा किसानों को भी आपने अंडर एस्टिमेट किया, इसी तरीके से स्टूडेंट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, नहीं तो स्टूडेंट्स अपनी पावर दिखा के रहेंगे। इन्होंने अगर आपको चुना है तो ये आपको गिरा भी सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।